Okay, so greeting all of you once again, and we are discussing about the chapter dissolution of partnership form, which we started last week. Dissolution का मतलब समझ के लिया था. Dissolution means closing down the business of partnership form. और वो close करने के लिए हम लोगों ने पांच ledger accounts के बारे में बात किया था. That was realization account, the most important, the new account, partners capital account, कैश और बैंक अकाउंट. दीज आर द थ्री कंपल्सरी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड. इन एवरी क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन वी मे प्रिपेयर करंट अकाउंट और समटाइम्स लोन अकाउंट आल्सो. यहां तक हमारा बात हुआ था. चैप्टर सीखने के लिए हमने बोला था वी विल लर्न बाय वे ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज को भी मैंने क्लासिफाई किया था, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज. So what is this exactly? What do I mean by that? I want all of you to open your textbooks. आपका textbook आपके साथ में है, well and good. नहीं तो जाके please go and fetch it out. Page number 214 में आ जाओ. 214 page number. Illustration one. मतलब ये ऐसा अपन ने कभी सीखा नहीं. स्पेशल चैप्टर है, स्पेशल ट्रीटमेंट. सब लोग तैयार रहेंगे तो प्लीज जस्ट राइट रेडी इन द चैट बॉक्स. यस, दिस विल आल्सो हेल्प. रेडी स्टेडी गो। कौन है वो भाई? हु इज दैट? ग्रेट. आविष्कार थोड़ा लक्ष्य देव फक्त. थैंक यू. ओके, सो अगर आप लोग देखोगे, इट सेज रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. The following is their balance sheet as on 31st March 2019. तो हम लोगों को बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट दिया है, रिजर्व फंड है, सिद्धीज लोन अकाउंट दिया है. सिद्धीज लोन अकाउंट, सिद्धि इज ए पार्टनर, तो दिस इज पार्टनर्स लोन. ओके, एंड देन वी हैव क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी. तो सिंपल बैलेंस शीट है. हमारे लिए पहली बार एक नया आइटम आ रहा है एंड दैट इज पार्टनर्स लोन, जो इस चैप्टर में अलग सा ट्रीटमेंट मांगता है. इस चैप्टर में अलग सा अकाउंट ओपन होता है. एसेट्स देखेंगे तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक बैलेंस. मैंने आपको शायद ये भी डिस्कस किया था, आपको लॉजिक बताया था. इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनेगा. वी विल नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट. Why we will not prepare balance sheet? Because this is the firm is getting closed. So आगे तो कुछ रहने वाला नहीं है. Everything will be liquidated. So we will prepare cash and bank account. Okay. तो पहला balance sheet दिया है. तो ये balance sheet को अपने बनाए हुए, यानी एक बात याद रखना, balance sheet का मतलब होता है हमारे ledger में, हमारे ledger में कितने सारे accounts opened है. हमारे लेजर में कितने सारे अकाउंट्स ओपनड है, कैपिटल, रिजर्व फंड, सिद्धीज लोन, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, ये सब अवेलेबल. मेरे दोस्तों, ये सबको अपन इतना सारा अपने को ऑपरेट करने का नहीं था, इसलिए अपन ने शॉर्टकट में क्या बताया था, रियलाइजेशन बनाया. आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट टॉपिक. सो हम लोग क्या करेंगे, उस सब को अपने अपने पांच अकाउंट के अंदर लेके आ जाएंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर एंट्रीज. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ट्रांसफर एंट्रीज. यस. फिर एडजस्टमेंट देखो, फिलहाल पांच दिया है, वो क्या है वो मैं आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन एडजस्टमेंट्स के लिए जो एंट्रीज बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एडजस्टमेंट एंट्रीज.
जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखा के दिया था, ट्रांसफर एंट्रीज आर यूज टू ट्रांसफर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू आवर रेस्पेक्टिव अकाउंट, हमने जो अकाउंट बनाया उसमें लाने का। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर यूज टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट इन द अकाउंट प्रिपेयर्ड, एंड देन एक एक करके हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे, इसलिए उसका नाम आया क्लोजिंग एंट्रीज। चलो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? कुछ स्टूडेंट्स लोगों का अगर स्टार्टिंग का कोई लेक्चर्स मिस भी हो गया तो भी मैंने उसको कवर करने का कोशिश किया है। लेट अस स्टार्ट विथ ट्रांसफर ट्रांसफर एंट्री में देर आर 4 to 5 एंट्री स्टेप्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। पहले तो पहला आएगा, देखो ध्यान देना मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट में पहला नजर आपका, अभी सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इसमें, देयर मे बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट आई थिंक दैट मेजोरिटी लोगों का, चलो टेस्ट ही कर लेता हूँ, ध्यान कौन से साइड पे जाता है, एसेट साइड में जाता है कि लाइबिलिटी साइड? ध्यान, एसेट साइड में पहला जाता है कि लाइबिलिटी साइड में पहला जाता है? ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ यू लुक एट द एसेट साइड, दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द इनिशियल ट्रेंड, बट मेरे को लगता है कि क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो पहला नजर, अगर आपने कभी मुझे सुना होगा लेक्चर में ध्यान से, तो मैं कैपिटल से ही पढ़ता हूँ, वी स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन गो टू द राइट हैंड साइड, आई नेवर गो फ्रॉम assets to liabilities, but नजर की बात है, नजर की बात है, अलग अलग बात हो सकता है, ठीक है, fine, thank you friends, I start with liability side, so for transferring liability side, items of liability side. याद करो लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम आपने क्या देखा था, लाइबिलिटीज में जनरली हम लोग पहला आइटम क्या देखते हैं, कैपिटल। कैपिटल्स का बहुत सिंपल सा रूल है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, सो द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस, व्हिच वी हैव बीन डूइंग सिंस फाइनल अकाउंट्स, तब से करते आ रहे अपन, एडमिशन में भी वही किया, रिटायरमेंट में भी वही किया, डेथ में भी वही किया है, सो द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। फ्रेंड्स सिमिलरली करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स इफ एनी, वैसे ही अगर हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस क्लियर रहेगा तो विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड एज मनी बैलेंस। कंफर्टेबल, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रहेगा, कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट बैलेंस दिया रहेगा, तो करंट अकाउंट को वैसे ही ऑन सिमिलर लाइन इफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर हैज लोन देन इट विल बी द
ट्रांसफर्ड दैट पार्टनर्स अकाउंट एज अगेन लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस ही है एज ओपनिंग बैलेंस समझ लो। सिंपल सा तीन रूल तो एकदम सिंपल है। करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट सॉरी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट लोन अकाउंट का बैलेंस लोन अकाउंट। अच्छा यहां पर याद रख लेना जितने पार्टनर्स थे उतने ही हैं, कोई ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। चैप्टर है ना याद रखना, एडमिशन में एक बढ़ गया था, रिटायरमेंट डेथ में कम हो गया था, तो ओल्ड अलग थे न्यू अलग थे कंटिन्यूइंग अलग थे, ये सब चेंजेस हो रहे थे। बट रिजोल्यूशन में जितने पार्टनर्स थे उतने ही पार्टनर्स रहेंगे। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अंडरस्टूड? तो मेरे को बताओ अगर कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस रहा, इफ देयर इज एनी रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो क्या करना पड़ेगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस को? अगर कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस रहा तो क्या करना होगा? वेरी गुड अनीश। सो इफ देयर इज एनी रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज, बेटा ओल्ड वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व रिजर्व फंड कोई भी एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हिट टू अमाउंट ऑल द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिपीट माय वर्ड्स, क्या बोला गया है? अगर कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस रहा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या करना है? कुछ नहीं, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड न्यू कोई भी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमको सबको पता है ये हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी रिटर्न, कहाँ लिखोगे उसको? ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज का आइटम यानी क्रेडिट बैलेंस, एकदम सिंपल। तो मैं पूछ रहा था अगर मेरे को इसका जर्नल एंट्री फॉर्म करना है, इफ आई वांट टू फॉर्म अ जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री आप सोच सकते हो मेरे दोस्तों? वी राइट रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो मुझे अगर उसका जर्नल एंट्री बनाना है, मैंने एडमिशन के वक्त सिखाया है ये लॉजिक, क्या जर्नल एंट्री पास होगा? बोलो क्या जर्नल एंट्री पास होगा? एनीबडी कैन ट्राई, रॉन्ग तो रॉन्ग। अगर मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता हूं तो क्या जर्नल एंट्री पास होगा? वी आर लर्निंग जर्नल एंट्रीज, पहले तीनों बैलेंसेस थे, उसका कोई एंट्री नहीं होता, इसका एंट्री आएगा। वेरी गुड अनन्या, यस। बाय जनरल रिजर्व नहीं बोलते ऋषिका, जनरल एंट्री क्या बोलेंगे हम लोग? रिजर्व एंड सरप्लस, अब वो जनरल रिजर्व होने दो या रिजर्व फंड होने दो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने दो, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, अदरवाइज इट्स इजी।
ऑल अदर लाइबिलिटीज, अब जितने लाइबिलिटीज बच गए ये सब पार्टनर्स के काम हो गए, तो जो बच गए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल मंजे बाहर दिया जाने वाला, फिर इसमें क्रेडिटर्स आ गया, इसमें बैंक लोन आ गया, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया, तो उसको क्या नाम दिया है अभी हम लोगों ने, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया है, बोलो कहाँ ट्रांसफर होगा, ऑल अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। वेरी गुड, आप मेरे साथ बने रहोगे तो ना मैं सिखाने से पहले आप जवाब दे सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट ऑब्वियसली विच साइड, क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड ही आएगा। द जर्नल एक्टिव फॉर द सेम विद बी, अगर मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता हूं, बोलो क्या जर्नल एंट्री आएगा। अगर मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता हूं तो बोलो क्या जर्नल एंट्री आएगा। वेरी गुड अनन्या, यस इट विल बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो भी रहेगा क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो रहेगा वो सब अकाउंट डेबिट होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पासे दिस एंट्री ऑन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू बी। ट्रांसफर होते वक्त हम लोग बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर रहे, अभी तक हम लोग एडजस्टमेंट देखे ही नहीं है, वहां पर देखने का भी नहीं क्योंकि एडजस्टमेंट मार्क नहीं होता, इसीलिए इट विल बी ट्रांसफर्ड, इट विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू म्हणजे जो बैलेंस शीट मध्ये दिलेला वैल्यू आहे तेच आपल्याला बघायचं आहे। ट्रांसफरिंग लायबिलिटी साइड, एवरीवन क्लियर, अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, यू कैन सी द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन आस्क इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। सिंपल, अभी वो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन वन भी अगर आप देखोगे रिद्धि सिद्धि का, तो कैपिटल बैलेंसेस था तो वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व था, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सिद्धिस लोन था, सिद्धिस लोन अकाउंट क्रेडिट साइड। बाकी क्रेडिटर्स, ये आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ऑब्वियसली हम लोगों ने लाइब्रेरीज कर दिया तो आएगा फॉर ट्रांसफरिंग आइटम्स ऑफ एसेट्स आए। एसेट साइड में रूल्स थोड़े हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, क्यों ऊपर नीचे करेंगे उसका रीजन है, समझने के लिए आसान होता है। कैश और बैंक बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड, कैश और बैंक अकाउंट। अभी सब ध्यान देने का, हम लोग अकाउंट बनाते वक्त अकाउंट का नाम मैं सजेस्ट करता हूँ कैश एंड बैंक। क्या नाम सजेस्ट करता हूँ? कैश एंड बैंक, तो इस पे कवर हो जाता है। ठीक है, तो कैश और बैंक बोलने के बदले हम विल से कैश एंड बैंक। कैश बैलेंस रहेगा तो भी लिखने का, बैंक बैलेंस रहेगा तो भी लिखने का। नहीं तो अभी तक अपन एडमिशन रिटायरमेंट में क्या रूल फॉलो कर रहे थे, कैश रहेगा तो कैश अकाउंट, बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट। अब इस रिजोल्यूशन में बहुत बार कैश इन एंड कैश एंड बैंक दोनों आएगा, सो बेटर वी यूज ए कॉमन अकाउंट, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू
कैश एंड बैंक अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। Recorded on the which side? Very good, debit side. Assets देखो इतना सिंपल फंडा है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही जाएगा और डेबिट का आइटम मतलब डेबिट में ही जाएगा, एसेट्स और डेबिट बैलेंसेस। एनी एक्युमुलेटेड लॉस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज गिवन, अगर लॉस दिया है तो वापस देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट विल बी फॉलो रिकॉर्डेड कहां पर, विच डेबिट साइड, कौन से अकाउंट में, डेबिट साइड बरोबर है ऑन द डेबिट साइड ऑफ यस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आप लोग इतना समझ गए तो मुझे बताओ दोस्तों उसका जर्नल एंट्री क्या बन सकता है। अगर आपने इतना सोच लिया कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आने वाला है, तो मैं आपसे आगे चल के पूछता हूँ क्या जर्नल एंट्री आ सकता है। वेरी गुड मंजीश, यस इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाटएवर कम्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो कैश एंड बैंक रहेगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, लॉसेज रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ऑल अदर एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू, क्या हुआ, सारा एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस जो भी दिया रहेगा ऑल अदर एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट डैश साइड, इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। एकदम सिंपल है, these assets will also be transferred at the book value B. These assets will also be transferred at their which value? Book value. मतलब जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अभी तक हम लोग बैलेंस शीट में ही है, हमने एडजस्टमेंट पढ़ा भी नहीं है मेरे दोस्तों, वो याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा हम लोग अभी भी बैलेंस शीट में ही है, हम लोग एडजस्टमेंट में आया ही नहीं है। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या जर्नल एंट्री होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, यस वेरी गुड अनिश, इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। Very nice, very impressive, very happy with your answers. Okay, I know that only 30-40 students are replying, but I'm happy with those replying. I'm seeing the names.
आई टेल ऑलवेज टू स्टूडेंट्स कि मेरा बहुत नजदीक से ध्यान रहता है कि कौन कौन जवाब दे रहा है, जो नहीं दे रहे उनको उनका नुकसान उनका ही होने वाला, मेरा कोई नुकसान नहीं। फाइन, मैं चाहता हूं कि सब लोग इलस्ट्रेशन वन वापस देखें एक बार ध्यान से। और वेरी गुड रक्षा तिवारी, आपको याद है, बड़ी बात है। क्या इसमें कोई एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम रह गया क्या जो ये तीन रूल में हमारे बैठता नहीं, मतलब कैश एंड बैंक नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, और ये रियलाइजेशन टू एसेट्स वाले एंट्री में भी वो बैठता नहीं, ऐसा कोई एक्सेप्शनल आइटम दिखता ही क्या? क्या बात है, वाओ, सुपर आदित्य, श्रेया एंड मनीष, ऐसा खुद एक बार बोल देना, शाबाश। आरडी, यहाँ पर वापस ओल्ड न्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर वापस ओल्ड न्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आरडीडी, क्योंकि फॉर्म बंद हो रहा है। बहुत सारे लोगों के तीर जो है कमान से छूट चुके हैं, इसके ओल्ड आरडीडी दिख रहा है मुझे अभी भी। नाउ आरडीडी डेटर से लेस हुआ है, आरडीडी डेटर से लेस हुआ है, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। आरडीडी वैसे भी रिजर्व वर्ड आ गया, मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सो आरडीडी इज अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ, ये चैप्टर इसके लिए स्पेशल स्पेशल, मैं जो वर्ड बोला है ना, मैं हर जो तुम लोगों को चीज सिखा रहा हूं उसका पीछे रीजन वही है। अब आप ही समझ रहे, स्पेशल है इसके लिए, यहां पर ओल्ड न्यू कुछ नहीं है, जो है वही। सो सिंस आरडीडी इज अ स्पेशल आइटम अगेन ऑन द एसेट साइड, आरडीडी विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट से जुड़ा है, एसेट पे दिया है, तो लेकिन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री विल बी, बोलो, आरडीडी अगर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, जर्नल एंट्री आएगा आरडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, आरडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। Understood? Four rules for liabilities, four rules for assets, rather five rules for liabilities and four rules for assets. So these are our transfer entries. मेरे दोस्तों, कितना भी बड़ा बैलेंस शीट होने दो, ये पांच एंट्री लाइबिलिटीज का, चार एंट्री एसेट्स का करने से आपका काम 100% हो जाएगा। इसके बाहर कभी कुछ नहीं आने वाला। हमारे बैच में वेदांत डेट के नाम का कोई यही क्या? डू वी हैव समबडी बाय द नेम ऑफ वेदांत डेट के? नहीं है। दिवेश मोहिते, ओके, आई जस्ट स्टार्टेड विद द अटेंडेंस पार्ट। कालिदासन सुरेंद्रन है क्या? अरे क्या बात है, वेरी गुड। डू वी हैव निबिन मैथ्यूज?
विशाख, शशि कुमार, विशाख रोहन मानसे। अच्छा, ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों को लग रहा है मैं जो कल नहीं आए उनका नाम ले रहा हूं। आप लोग सब आए यहाँ पर, बहुत खुशी की बात है। जरा बीच बीच में जवाब भी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपका नाम बहुत टाइम से देखा ही नहीं स्क्रीन पर। अद्वैत पिल्ले, सिद्धांत नायर, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट यू आर देयर। शनाया लोगो, रोहित दास, स्नेहाशीष जना, श्रुति दिगोले, विंसेंट डिक, हाँ, तो ये ऐसे कुछ महान व्यक्ति लोग हैं जो लोगों ने शाम से एक भी बार मेरे को हेलो भी नहीं बोला, ना कभी कुछ जवाब टाइप किया। जस्ट मैं चेक कर रहा था है कि नहीं करके लोग। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग मी। हाँ, तेरे को मैं देख लिया ना, तो तेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। अक्षर, तो जिस दिन नहीं बोलेगी उस दिन मैं तेरा नाम बुलाऊंगा। आज मैंने देखा तूने 2 बार 3 बार जर्नल एंट्रीज भी बोला है। दैट इज गुड, कीप अप द गुड हैबिट। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ये मैं तुम्हारे खुद के डेवलपमेंट के लिए बोल रहा हूँ। इतने सारे नामों में मैंने जो नाम लिए ना, तुम लोगों ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। सोमनाथ पाल भाई, आज वापस तेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कल बोलने के बाद भी। यस सूरज यादव, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? You have raised your hands. चलो, तो ये करने से क्या हो गया, आपका बैलेंस शीट जो इतने सारे आइटम से जुड़ा हुआ था वो 5 अकाउंट्स के अंदर आके बैठ गया। समझे क्या आप क्या हुआ कर? अगला कदम अभी हम लोग बैलेंस शीट से पढ़ेंगे, दैट इज टुवर्ड्स एडजस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वी विल लर्न अबाउट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट्स क्या है, तो अकाउंटेंट का मैंने आपको जो काम बोला वही एडजस्टमेंट है। क्या काम था अकाउंटेंट का, किसी को याद है क्या? डिसोल्यूशन में अकाउंटेंट का 3 महत्वपूर्ण काम था। क्या 3 काम था? किसी को याद है कि एक भी वर्ड याद रह गए तो भी काम हो जाएगा अपना, बिना बुक देखे याद करके बोलने का। सोमनाथ पाल एक हाई बेच, क्रिकेट खेलने चला गया लगता है। और बाद में उसको फोन करके बोलना, सर ने क्लासरूम में नाम लिया था तेरा। हाँ, किसी को याद है क्या अकाउंटेंट का 3 काम? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूं वापस। व्हाट वंस द डिसीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंसर्न, देन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी डन इज डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज एंड फाइनल सेटलमेंट अमॉन्ग्स पार्टनर्स। यही एडजस्टमेंट में आएगा कि अभी वो जो एसेट्स थे, वो जो लाइबिलिटीज थे, उसको फॉर्म से निकाल दिया, तो आएगा फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट, द थर्ड जर्नल एंट्री।
कैसे आया सर? फर्स्ट था ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सेकेंड था ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, थर्ड आएगा फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। मैंने आपको ओरली उस दिन समझाया था, कितने लोगों को याद है मैं नहीं जानता। एसेट्स फर्म से बाहर जाने का दो रास्ता होता है, एसेट्स फर्म से बाहर जाने का दो रास्ता होता है। देर आर टू वेज इन विच एसेट्स कैन बी डिस्पोज ऑफ। क्या है दो तरीका, किसी को याद है क्या? एसेट्स फर्म में से बाहर जाने का दो रास्ता होता है। क्या दो रास्ता होता है? यस अनिश, वेरी गुड। एक होता है सेल ऑफ एन एसेट, एसेट बेचोगे तो बाहर जाएगा। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन आपने सीखा हुआ है, आपको आता है, लेकिन ये स्पेशल चैप्टर है, लेकिन ये स्पेशल चैप्टर है। इसका क्या खास बात है? नॉर्मल सेल का एंट्री कोई टाइप करो चैट बॉक्स में। व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर सेल ऑफ एन एसेट? व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर सेल ऑफ एन एसेट? लेट मी सी इफ एनीबडी रिमेंबर्स। सेल्स नहीं आएगा बेटा, सेल्स तो गुड्स का होता है। वेरी गुड अनिश, अगेन इट्स कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। पैसा आया, एसेट गया, दोनों रियल अकाउंट है। बेसिक बेसिक चीजें याद रख लो, 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये आता है, किसी को अगर याद आता होगा तो। नहीं तो दोनों रियल अकाउंट है, पैसा आया एसेट गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नॉर्मल अकाउंटिंग है मेरे दोस्तों। इस चैप्टर में क्या हुआ है, ये स्पेशल चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या हुआ है, सारे एसेट्स का अस्तित्व खत्म हो गया है और वो सब कुछ जाकर मिल गया है कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट। इसीलिए इस चैप्टर में सेल ऑफ एन एसेट आया तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वी विल नॉट क्रेडिट एसेट अकाउंट, वी विल क्रेडिट रियलाइजेशन, बिकॉज एसेट्स आर क्रेडिटेड आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कॉन्सेंट्रेट करो, यहीं पर गड़बड़ वाला जगह है। जर्नल एंट्री, पैसा आया और एसेट गया इधर भी, लेकिन एसेट का अस्तित्व खत्म हो गया है। अब एसेट कौन से अकाउंट में जाके बैठा है? रियलाइजेशन। हमने शॉर्टकट याद करो किया था, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल एंट्री, स्पेशल चैप्टर। ये नॉर्मल नहीं है, ये याद रखना है आपको दोस्तों, गड़बड़ वाला जगह है ये। यहां पर मिस्टेक होने का 110% चांस है। इससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण रूल, ओनली सेल वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी रिकॉर्डेड। हम लोग क्या भाव में एसेट बेचा वो रिकॉर्ड करेंगे। इफ द अबव एंट्री ओनली द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी रिकॉर्डेड। और वो सेल वैल्यू कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में। अब वापिस रिवर्स गियर जाके ऊपर जाके देखने का नहीं कि लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का था, 60,000 में बेचा तो 10,000 प्रॉफिट हुआ। हमको इंडिविजुअल एसेट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करना है। ये याद है कि आपको उस टाइम बताया था मैंने, हमको इंडिविजुअल एसेट का प्रॉफिट, अगर इंडिविजुअल एसेट का प्रॉफिट लॉस करना होता था तो रेगुलर मेथड फॉलो करते थे, फिर अपन इसमें जाते ही नहीं थे ना दोस्तों। मैं जो इतना मेहनत करके इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, समझ लो कि इसमें गड़बड़ यही है कि आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
प्रॉफिट और लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट्स इज टू बी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड म्हणजे सोडून देणे। मैं फिर बताता हूं, गाड़ी एक कदम आगे जाने के बाद रिवर्स गियर में आने का नहीं, आपने बैलेंस शीट से सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, फिर अभी आप एडजस्टमेंट में आए हो, फिर सेल पड़ रहे हो, तो वापस रिवर्स गियर मार के ऊपर जाने का नहीं कि कितने का एसेट कितने में बेचा। वो सब एडमिशन रिटायरमेंट में होता था, वो रेगुलर चैप्टर्स, ये स्पेशल चैप्टर। जसं आपल्या घरी कोण पाहुणा येत असेल, हम लोग उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं। नॉर्मल खाना अपने घर पे जो बनता है, और कोई अगर बाहर से अपने को विजिट करने को आया, कोई बड़ा व्यक्ति अपने घर पे आने वाला है, तो हम लोग स्पेशल चीजें बनाते हैं। और उस दिन हम लोग फिर रेगुलर क्या रहेगा वो नहीं खाते। वैसा इस चैप्टर का जो जर्नल एंट्रीज है वो इसी चैप्टर के लिए है, दूसरे जगह पे अप्लाई नहीं होता। तुम बोलोगे सर मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये एंट्री लिखूं, तो नहीं चलेगा। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन चैप्टर में चलेगा। दोस्तों ध्यान रखो, मैं बहुत रुक कर आपको समझा रहा हूं, फिर सर मला ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा बोलू नका। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर। हमको प्रॉफिट या लॉस एकदम लास्ट में मिलेगा, जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस कैन नाउ टेल नॉट अंडरस्टूड बिफोर आई गो फर्दर। किसी को नहीं समझा रहेगा तो उन्होंने बोलना। अविनाश को अभी यस बोलेगा तो लपड़ा है, नहीं समझा ऐसा मानू क्या मैं? ओके तो सबको समझ गया ऐसा मैं मान के चलता हूं, और चेक करता हूं कि अभी आप लोग कितना मेरे साथ में हो। फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, दोस्तों अगर एसेट तो टेक ओवर हुआ, अगर एसेट टेक ओवर हुआ मतलब एसेट गया, एसेट गया तो नॉर्मल जर्नल एंट्री में एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है, यहां पर उसके जगह पर वापस रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया। इसीलिए जो पार्टनर लेके जाता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वापस क्या याद रखने का? इन द अबाउट एंट्री ओनली द टेकन ओवर वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी रिकॉर्डेड। और ये टेकन ओवर वैल्यू कहाँ मिलेगा अपने को? एडजस्टमेंट। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, प्रॉफिट और लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट्स इज बी इग्नोर्ड। जर्नल एंट्री और उसके साथ का रूल्स क्या बोला ये आपको समझा क्या?
यस डियर फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ। एडजस्टमेंट एंट्रीज में हम लोगों का डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ये टॉपिक हुआ है। इसके आगे जो है डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, कल के लेक्चर में।